हाय चिल्ड्रेन, आप सब कैसे हैं? आप सबका मेरे YouTube चैनल देवाशीष ट्यूटोरियल में स्वागत है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो का अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज क्लास 10 के साइंस में फिजिक्स के लाइट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। लाइट चैप्टर, यस, इसमें है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहले देखते हैं कि लाइट क्या है। लाइट क्या है? यस, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ये जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये हमें ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती। यदि लाइट नहीं हो तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। यदि लाइट नहीं हो तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। सपोज कीजिए कि आप रूम में स्टडी कर रहे हैं और अचानक लाइट चली जाए तो क्या आप फिर वही कंटिन्यूटी पढ़ाई में रख पाएंगे? नहीं। अब आप जो लिखे हुए लेटर्स है वो आप नहीं देख सकते हैं। तो विदाउट लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर कैसा होता है। लाइट का नेचर ड्यूअल होता है। ड्यूअल का मतलब होता है टू नेचर वाले लाइट होते हैं। टू नेचर वाले लाइट होते हैं, एक तो वेव से बना होता है, वेव नेचर हो गया, और दूसरा हो गया पार्टिकल थ्योरी। तो देखते हैं सबसे पहले कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which do not require a material medium like solid, liquid or gas for their propagation. उसको travel करने के लिए, light को travel करने के लिए किसी medium का requirement नहीं है। Without medium भी वो travel कर सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि light का nature जो है वो wave nature है, means वो electromagnetic है। अब सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में ये अर्थ है और यहां पे क्या है, बीच में वैक्यूम है, फिर तो ये एनवायरमेंट है। ये एटमॉस्फेयर आपका हो गया, तो यहां पे पार्टिकल्स हैं लेकिन यहां पे तो वैक्यूम है। तो ये रेज यहां तक कैसे पहुंचेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक जो है वो वेव के थ्रू से और फिर इस एटमॉस्फेयर पे पहुंच जाते हैं। मींस लाइट का पहला नेचर क्या हो गया कि ये वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलके बना हुआ है। क्लियर है? पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी हाई स्पीड। तो लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और वो एक स्ट्रेट पाथ में मूव करेंगे विद वेरी हाई स्पीड, बहुत ही ज्यादा स्पीड से वो लाइट जो है वो ट्रेवल करते हैं, लेकिन पाथ होगा उनका स्ट्रेट। यस, सीधे मूव करें। क्या होगा? उस सीधे, उस लाइट का स्पीड है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स आप इसको बोल सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यस, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड।
तो वेव नेचर में क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बना हुआ है, जिसे मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। और पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और ये हमेशा स्ट्रेट पाथ पे मूव करेंगे और इनका स्पीड बहुत ही ज्यादा होगा। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट में क्या है कि ये डुअल नेचर बताया गया है कि लाइट जो है ना तो सिर्फ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है या फिर उसका वेव सिर्फ नेचर नहीं है, वो दोनों उनके पास है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है एंड उनका नेचर है वेव नेचर। तो यही है मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट, जिसमें दोनों को ऐड किया गया है, दोनों को ऐड किया गया है। मीन्स आप उसको सेपरेटली नहीं बोल सकते हैं कि वो वेव नेचर में ही सिर्फ होगा या फिर पार्टिकल से बना होगा। जब भी हम लाइट का बात करते हैं, यस नेचर होगा, डुअल नेचर, और इसी से बना है मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट। क्लियर है? अब आगे देखते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट। ये तो हमें समझ में आ गया कि लाइट के बिना हमें किसी ऑब्जेक्ट को दिखाई नहीं देगा, मीन्स हर एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लाइट चाहिए। तो क्या हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपना लाइट होता है? नहीं। तब फिर तो देखते हैं कि ये सोर्स ऑफ लाइट है। ये एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट, जहां से हमें लाइट मिलता होगा। अच्छा, तो जिस ऑब्जेक्ट के पास लाइट है वही हमें दिखाई देगा। क्या टेबल के पास लाइट है? तो फिर तो हमें टेबल दिखाई देता है। क्या फैन के पास लाइट है? नहीं, फिर भी हमें वो दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास लाइट नहीं है, लेकिन यदि वो रिफ्लेक्ट करके पहुंचाए हमारे आईज तक तो फिर हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। यस, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो जो सोर्स ऑफ लाइट है वो दो तरह का होता है, सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या फिर बोल सकते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मीन्स अ सोर्स ऑफ लाइट विच पॉजिटिव लाइट ऑपरेट्स ऑन, जिनका खुद का अपना लाइट होगा उसे हम लोग कहते हैं सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, या फिर आप उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। अब जो सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जस्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि सन के पास अपना लाइट है, स्टार के पास अपना लाइट है, मून के पास अपना लाइट नहीं है, वो रिफ्लेक्ट करके पहुंचाते हैं। सो कीप रिमेम्बर, मून इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर बट नॉट सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए। तो जो बल्ब घर में जलती है वो भी क्या है? यस, सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कैंडल, यस। तो आप समझ गए कि सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या, जिनके पास खुद का लाइट, अपना लाइट। क्लियर? अब आगे देखते हैं कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, अ सोर्स ऑफ लाइट विच डज नॉट पॉजेस लाइट ऑफ इट्स ऑन, जिनका अपना लाइट नहीं होता है। बिल्कुल सही, जिनका अपना लाइट नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल बताएं, घर में रूम में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास अपना लाइट नहीं है। अलमीरा में लाइट है? नहीं है। टेबल, चेयर, बेड, ये सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। फिर ये दिखाई देते हैं जब लाइट उसमें फॉल होता है और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज तक पहुंचता है, फिर वो ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे कि सोर्स ऑफ लाइट क्या है और इसमें जो ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है इसके बारे में। क्लियर है? मीडियम, अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट पासेस और ट्राइज टू पास इज कॉल्ड मीडियम। यस, कोई सब्सटेंस है तो इस सब्सटेंस से होकर ये जो लाइट है या तो ये पास हो जाए या तो पास होने की कोशिश करे, या ऐसा भी हो सकता है कि वो पास नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि वो पास नहीं। तो
मीडियम क्या है जिससे होकर लाइट पास हो या नहीं हो या फिर ट्राई करें। तो मीडियम तीन तरह का होता है, मीडियम तीन तरह का होता है। एक तो हो गया ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट मीडियम मीन्स वैसा मीडियम जिससे होकर लाइट इजीली पास हो जाए, लाइट को ट्रैवलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो जैसे क्या हो गया, एयर हो गया, ग्लास हो गया, एयर से होकर लाइट इजीली पास हो जाएगा, ग्लास से भी इजीली लाइट पास हो जाएगा, मीन्स इस पार से उस पार आपको दिखाई दे रहा होगा। ग्राउंड पे दो लोग बैठे तो हमें दिखाई दे रहा है, तो बीच में क्या है? एयर है। तो समझ गए, लाइट जिससे होकर पास हो जाएगी इजीली, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? यस, ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, तो वैसे मीडियम जिससे होकर लाइट पार्शियली पास हो, यस पार्शियली पास हो, कंप्लीटली पास नहीं हो। चलिए एग्जांपल लेते हैं, ऑयली पेपर, पेपर में जब ऑयल लगा होगा तो उससे जो उसके बाद जब हम लोग उससे होकर देखेंगे तो उसे हमें ऑब्जेक्ट्स तो दिखाई देंगे लेकिन क्लियर नहीं। तो जब हमें क्लियर दिखाई नहीं देंगे इसका मतलब है कि लाइट वो हमारे आई तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्लियरली नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए हमें वो धुंधला दिखाई देता है। स्क्रैच्ड ग्लास, ग्लास में यदि उसमें से स्क्रैचिंग कर देंगे और जब उसमें देखेंगे तो दिखाई तो देंगे लेकिन स्पष्ट नहीं, क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रांसलेशन ऑब्जेक्ट्स या फिर मीडियम्स क्या होता है, जिससे होकर लाइट पास तो होगा बट पार्शियली पास होगा, नॉट 100%। क्लियर? नेक्स्ट है ऑपेक मीडियम। तो वैसा मीडियम जिससे होकर लाइट बिल्कुल ही पार ना हो, यस जिससे होकर लाइट बिल्कुल ही पार ना हो। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे वुड, लकड़ी, लकड़ी के इस पार से उस पार दिखाई देंगे क्या? नहीं, क्योंकि लाइट किसी सोर्स से निकल के हमारे आई तक नहीं पहुंच पा रहे। मेटल, तो वैसे सब्सटेंस, वैसे मीडियम जिससे होकर लाइट पास ही ना हो, थोड़ा सा भी नहीं, यस ऑपेक मीडियम कहलाता है। क्लियर? मीडियम, अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट पासेस और ट्राइज टू पास इज कॉल्ड मीडियम। तो मीडियम क्या है? मीडियम है कोई सब्सटेंस है जिससे होकर लाइट या तो पास हो जाएगा या तो वो पास होने का कोशिश करेगा। अब मीडियम जो है वो तीन तरह के होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम एंड ऑपेक मीडियम। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिससे होकर लाइट इजीली पास हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो ट्रेवल करने में, लाइक एयर, ग्लास। दूसरा है ट्रांसमिशन मीडियम, वैसा मीडियम जिसमें से लाइट जो है वो पार्शियली पास हो, यस कंप्लीटली नहीं, पार्शियली मीन्स बहुत सारा लाइट का पार्ट जो है वो पास नहीं होगा। मीन्स उस मीडियम से यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट को दिखाई दे या देखना पड़े तो वो हमें साफ साफ नहीं दिखाई देगा, वो हमें धुंधला दिखाई देगा। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, ऑयली पेपर से यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो वो हमें कंप्लीटली क्लियर नहीं दिखाई देगा, वो हमें धुंधला दिखाई देगा। स्क्रैच ग्लास से यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो भी हमें धुंधला ही दिखाई देगा। क्लियर? तो ट्रांसलेशन समझ गए होंगे कि जिससे होकर लाइट पार्शियली पास होता है। ऑपेक मीडियम, वैसा मीडियम जिससे होकर लाइट बिल्कुल ही पास ना हो। एग्जाम्पल वुड, यस लकड़ी, लकड़ी से होकर उससे होकर जब देखेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। मेटल,
सपोज के लिए आयरन मेटल ऑब्जेक्ट रख रहे हैं सामने में और किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं साइड पे, तो हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये जो मेटल ऑब्जेक्ट लिए हैं इससे होकर लाइट पास बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर है? तो तीन तरह के मीडियम समझ गए होंगे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ऑपेक। क्लियर? अब आगे देखते हैं रे क्या है। यस, रे, क्योंकि ये वर्ड बार बार यूज होने वाला है। रे है क्या? इट इज अ स्ट्रेट पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स। स्ट्रेट पाथ है और उसी के अलोंग क्या होगा, लाइट ट्रेवल करेंगे। और इसका ये है नोटेशन। क्लियर है? बीम ऑफ लाइट। अब ये बीम ऑफ लाइट क्या है तो देखते हैं, नंबर ऑफ रेज कंबाइंड टूगेदर टू फॉर्म अ बीम ऑफ लाइट। एक रे है तो इसी तरह से बहुत सारी रे मिलके क्या बनाएंगे, बहुत सारी रे मिलके क्या बनाएंगे, बीम ऑफ लाइट। बहुत सारी रे मिलके क्या बनाएंगे, बीम ऑफ लाइट। क्लियर है? तो रे समझ गए होंगे जिसके अलावा लाइट ट्रेवल करता होगा, और बीम ऑफ लाइट जब बहुत सारे रेज मिल जाए एक साथ तो बनाएंगे बीम ऑफ यस लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? ये एक फेनोमेनन है जिसमें लाइट का बाउंसिंग बैक होता है। कहां से होता है? जब वो लाइट किसी सरफेस पे फॉल होगा और फॉल होने के बाद जब सेम मीडियम पे लौट के आएगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए एग्जांपल लेते हैं कि आप एक बॉल ले लिए हैं, ड्यूज बॉल ले लिए हैं और आप बॉल पे जब उसको स्ट्राइक करते हैं फिर क्या होता है? Yes, आप देखते होंगे कि बॉल जो है वॉल पे टकराने के बाद वो वापस लौट आता है। डायरेक्शन चेंज हुआ होगा या चेंज हो जाता है, लेकिन लौट के उसी मीडियम पे आ जाता है, उसी तरफ आ जाता है। उसी तरह से जब ये सपोज कीजिए कि ये ऑपेक सब्सटेंस है, ऑपेक सब्सटेंस का मतलब हो गया जहां से लाइट पास नहीं होगा, तो आप सोच सकते हैं कि ये मेरा मीडियम वन हो गया और ये मेरा मीडियम टू हो गया। चलिए आप इसको समझ लीजिए कि ये एयर है और आप इसको समझ लीजिए कि ये वुड है। तो मेरे पास दो मीडियम है, कितने मीडियम है, दो मीडियम है। तो एक मीडियम देखिए एयर, जहां से लाइट आसानी से इजीली पास हो जाता है, और एक मीडियम ये भी है जिसे होकर लाइट बिल्कुल पास नहीं होगा। तो आप समझिए कि जब ये रे आना स्टार्ट होगा तब तो इनको यहां लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझिए, ये तो कोशिश करेंगे इधर जाने के लिए, तो क्या ये इधर जा पाएंगे? इस रे का जाना पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। मीन्स ये रे चाहकर भी इधर नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये मीडियम है, सेकेंड मीडियम विल नॉट अलाउ टू पास दिस रे। तो क्या होगा? अब होगा क्या कि ये जो रे है वो लौट जाए। तो कहां लौट जाएगा? क्या जहां से आया हुआ था? नहीं, उसी मीडियम पे लौट जाए। एयर वाले मीडियम से वुड वाले मीडियम पे जाना चाह रहे थे, वुड वाले मीडियम में अलाउ नहीं किया, तो फिर वो क्या होगा, उसी एयर वाले मीडियम पे लौट जाए। अभी डायरेक्शन डिपेंड करता है कि किस तरह का वो रे फॉल हो रहा है। तो अभी बस हम लोग इतना जानते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। यस, इन द सेम मीडियम, लेकिन कब? ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस, जब सरफेस पे स्ट्राइक होगा, जब सरफेस पे स्ट्राइक होगा
फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट। क्लियर है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट का बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम। तो ये एक फेनोमेनन है, ये एक घटना है, इसलिए यहां पे यूज हुआ है द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्लियर है? अब देखेंगे कि रिफ्लेक्शन, ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो दो तरह का होता है, एक होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, यस अभी बताए थे कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो दो तरह का होता है, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन देखते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन है क्या। क्लियर? अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। यस, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट, यस ये सरफेस है, इसको इस तरह बनाने का मतलब है कि ये जो है वो अब ऑपेक हो गया, मीन्स लाइट का पासिंग स्तर नहीं होगा। क्लियर है? ये है इंसिडेंट रे। अब जब हम बहुत सारे रेज को ले लेते हैं तो क्या हो जाता है वो, यस बीम ऑफ लाइट। तो एक से ज्यादा ले लिए, ये बीम ऑफ लाइट है, जब ये सरफेस पे फॉल होगा तो इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, बाउंसिंग बैक होगा। अब ये जब बाउंसिंग बैक होगा तो किस तरह से होगा, ये जो इंसिडेंट पैरेलल आए हैं रिफ्लेक्शन बीम का, एक ही डायरेक्शन में पैरेलल होगा, क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इस तरह का जब भी रिफ्लेक्शन होगा, ये पैरेलल इंसिडेंट रेज है एंड पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज है, इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। यस रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये कहां, किस तरह के सरफेस पे होता है, स्मूथ सरफेस पे होता है। ओके, नेक्स्ट इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तो देखते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड, यस रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन में उनका रिफ्लेक्शन होगा। चलिए देखते हैं, चलिए ये क्या है, ये सब समझ गए होंगे, ये ऑपेक मीडियम बना दिए हैं। तो अब एक और बताते हैं कि ऑपेक मीडियम जो हम बनाएंगे तो वो इस बार अनइवन होगा, मीन्स लाइक दिस, रफ सरफेस बनाए इस बार। तो हम तीन पैरेलल इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे, ये तीनों क्या है, पैरेलल है, लेकिन अब इनका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, जो बाउंसिंग बैक हुआ वो इन डिफरेंट डायरेक्शन, क्या हुआ, इन डिफरेंट डायरेक्शन। दिस इज व्हाई इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होगा वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। तो आप समझ गए होंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो बाउंसिंग बैक होगा वो पैरेलल होगा, एंड इरेगुलर में जो बाउंसिंग बैक है वो पैरेलल नहीं होगा। यस पैरेलल नहीं होगा। क्लियर है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइ इन द सेम प्लेन। यस चलिए पहले देखते हैं इस फिगर को, ये जो सरफेस है ये प्लेन है, ये ऑपिक में स्लाइट पास इससे नहीं होगा। क्लियर है? तो जो रे इस प्लेन पे फॉल होने वाले हैं, इस रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो रे सरफेस पे फॉल होने वाले हैं उस रे का वो कहते क्या है, इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे प्लेन के जिस पॉइंट पे फॉल होंगे
उस पॉइंट को ही कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। रीजन, ये जो इंसिडेंट रे है वो उस पॉइंट पे फॉल होता है। तो इंसिडेंट रे प्लेन के जिस पॉइंट पे फॉल होगा उसको क्या कहेंगे, यस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब जब ये रे फॉल हो गया तो ये रिफ्लेक्ट होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक इमेजिनरी लाइन नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इट इज लाइन नॉट अ रे, रे नहीं है, याद रखना है। तो जब ये नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा कि यहां पे 90 डिग्री एंगल बनता है, याद रखेंगे। नॉर्मल कितने डिग्री एंगल बनाएंगे प्लेन के साथ, 90 डिग्री। तो इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। ये डॉटेड लाइन जो ड्रॉ की है वो क्या है, नॉर्मल है, क्या है, यस, नॉर्मल। अब ये देखिए, ये जो रे है इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, जिसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इंसिडेंट रे फॉल हुआ, रिफ्लेक्टेड रे उसी मीडियम पे लौट गया, ठीक, नॉर्मल। आप समझ गए, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का जो भी एंगल बनेगा, यस, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच जो भी एंगल बनेगा उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। किसे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ गए। अब देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल बिटवीन ये जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड ये जो नॉर्मल है, दोनों के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। यस, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी गुड, इसे किससे डिनोट करते हैं, आर, यस, इट इज डिनोटेड बाई आर। तो आप ये डायग्राम समझ गए हैं, यदि ये डायग्राम समझ गए हैं तो ये दोनों जो लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी आप समझ जाए। देखते हैं लॉज पे, तो फर्स्ट लो क्या होता है, इंसिडेंट रे, यस, द रिफ्लेक्टेड रे, यस, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन लाइन इन द सेम प्लेन। कहां पर है, प्लेन पर है, सेम प्लेन पर है, क्लियर। आगे देखिए सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। रियल इमेज, यस, अब इमेज जो देखेंगे वो दो तरह का होगा, एक होगा रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो इसके बारे में जानना बहुत ही इसेंशियल है। देखते हैं रियल इमेज क्या होता है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर और रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। मीन्स लेंस से क्या होता है, रिफ्रैक्शन, इस तरीके को ध्यान दीजिएगा, एंड मिरर से क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा जब एक्चुअली मीटिंग होता है, एक्चुअली रेज का मीट किसी पॉइंट पे हो रहा होगा। क्लियर है। सपोज के लिए कि ये मेरा मिरर है, कंकेव मिरर है, ये चलिए प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जब दो रेज, एक रे ये है और एक रे ये है, और जब दोनों इस मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद इस फोकस से होकर पास होगा, एक रे तो पास हो गया
इससे तो इमेज बनने वाला नहीं है, ये भी फोकस से होकर पास होगा। अब ये देखिए दोनों रे इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये हो गया रियल इमेज। जब दो रे, दो से अधिक भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट दो तो चाहिए, जब रिफ्लेक्शन होकर या फिर रिफ्लेक्शन से होकर जब किसी पॉइंट पर मिलेंगे, इसको बोलते हैं एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस तरह से जो इमेज बनेगा वो इमेज जो होगा वो रियल इमेज होगा। इट इज फॉर्म व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर और रिफ्लेक्शन थ्रू अ लेंस, एक्चुअल पॉइंट पे मीट होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है। इट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, इट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन क्या मतलब हुआ, स्क्रीन पे इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये मेरा कंकेव मिरर है, आगे देखें किसके बारे में, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पे हम किसी ऑब्जेक्ट को रख दिए, तो इस और यहां पे इस पीछे पे एक स्क्रीन लगा दिए, पीछे पे स्क्रीन लगा दिए, तो क्या इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर के हेल्प से हम कहीं पर भी जब हम रखेंगे इस स्क्रीन को तो क्या वो दिखेगा। यदि वो दिखेगा मीन्स हम लोग बोलते हैं यस इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। और जब भी इमेज ऑब्टेन होगा स्क्रीन पे तो वैसे इमेज को रियल इमेज कहते हैं, दैट मीन्स रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन रख दी है, व्हाइट स्क्रीन है, व्हाइट स्क्रीन में क्या बना, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना। ठीक है, इट इज इन्वर्टेड, यस इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। ये यदि मेरा ए बी इस तरह का है तो मेरा जो इमेज बनेगा वो यहां पर ए बी इस तरह का बनेगा, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड मीन्स यस उल्टा। तो रियल इमेज का क्या प्रॉपर्टी हुआ, इट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, दूसरा क्या हुआ, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। यस समझ गए, वर्चुअल इमेज, इट इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट अपीयर टू मीट, यस अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर और रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। रिफ्लेक्शन किससे होगा, लेंस से होगा, रिफ्लेक्शन किससे होगा, मिरर से होगा, और ये अपीयर टू मीट है, एक्चुअली मीट नहीं होता है, एक्चुअली मीट नहीं होता है। चलिए देखते हैं, ये जो है वो कन्वेक्स मिरर है, तो इसका जो फोकस है वो इस साइड पे होगा, मीन ये जो इमेज बनता है अब क्या होगा, इधर से रे एक्चुअली पास नहीं होता है, एक्चुअली में ये पास नहीं होता है, तो एक रे तो हम लोग बना लिए कि इसके पैरेलल हो गया, फोकस यहां पे है, यहां पे सी होता है, इस यहां पे इमेजिन कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, एक रे जो है वो इससे होकर पास हो जाता है, तो ये जो इमेज यहां पे बनता है, ये जो आप इमेज देख रहे हैं एक्चुअली में ये डॉटेड लाइन से बना हुआ है, वो अपेयरिंग हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल रेज तो बाहर इधर चले आए हैं और इधर तो लोग मिल नहीं रहे हैं, मिल कहां पर रहे हैं, यहां पर मिल रहे हैं, तो यहां पे मेरे पास एक अब एक क्या बनता है, एक इमेज बनता है, ये क्या बना,
इमेज। तो ये जो इमेज होगा वो वर्चुअल इमेज होगा। कैसा इमेज होगा? वर्चुअल इमेज होगा। और देखिए क्योंकि ये जो मिरर है, अब हम यदि यहां पे एक स्क्रीन को रख देंगे तो इस स्क्रीन पे कभी भी ये इमेज नहीं बनेगा। इस स्क्रीन पे ये इमेज कभी भी बनने वाला नहीं है, समझ रहे हैं? ये इमेज जो है वो देखिए सीधा बना हुआ है, जैसे ही रखे थे वैसे ही बना। छोटा बड़ा साइज पे इट डजंट मैटर। तो ये सीधा बनेगा, तो प्रॉपर्टीज क्या हो गया कि इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। यस, इसको ऑब्टेन पे आप जो स्क्रीन यहां पे रखें वो स्क्रीन रखा का रखा ही रह जाएगा, बट इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बनने वाला नहीं है। तो आप सोच रहे हैं ये इमेज ये स्क्रीन को वहां पे रखेंगे, तो ये आपका मिरर है और आप मिरर के पीछे में स्क्रीन को क्यों रखेंगे? क्योंकि मिरर तो ऑपेक होता है। तो जब भी हम मिरर यूज करते हैं तो उसके फ्रंट पे ही हम रखते हैं स्क्रीन। अब इस स्क्रीन पे वो इमेज ऑब्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा है? यदि हो रहा है तो ऑब्वियसली रियल इमेज होगा, और नहीं हो रहा है तो वो यस वर्चुअल इमेज होगा। तो वर्चुअल इमेज का प्रॉपर्टी क्या हो गया कि ये स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होगा, दूसरा ये हमेशा सीधा बनेगा। और ये इमेज बनता कब है? रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन तो होगा, लेकिन जो मीटिंग होगा वो अपीयर, अपीयर टू मीट। ठीक है, तो रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज समझ गए। दोनों का डिफरेंस बहुत ही सिंपल है, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज इज यस ऑलवेज इरेक्ट। तो दो पॉइंट का डिफरेंस जो है वो रियल एंड वर्चुअल में हमेशा आपको याद रहना ही चाहिए। क्लियर? लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर और मिरर और मिरर, देन द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम द लेफ्ट साइड ऑफ इमेज एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम राइट साइड ऑफ इमेज। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। जब किसी ऑब्जेक्ट को ये देखिए लेटर आर है, इसको हम इस मिरर के सामने रखे हैं, तो इस मिरर का ये वाला पार्ट जो है वो राइट हो गया और ये वाला पार्ट जो है वो लेफ्ट हो गया। तो इस मिरर को जब रखेंगे तो इस मिरर में जो इमेज बनेगा और उस इमेज में जो हमें दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा कि ये जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड में दिख रहा है और जो लेफ्ट साइड है वो हमें राइट साइड में दिख रहा है। मीन्स इस आर को हम इधर आर लिख देते हैं और इस एल को हम इधर एल। मीन्स ऑब्जेक्ट का जो एल है इमेज का वो एल हो गया। ऑब्जेक्ट का जो एल है, ऑब्जेक्ट को जो हम लेफ्ट साइड पे लिखे थे वो ऑब्जेक्ट यदि आप इस इमेज पर आके देखेंगे तो हमें कहां दिख रहा है? यस, राइट साइड में दिख रहा है। और ये जो ऑब्जेक्ट में राइट साइड में दिख रहा था वो हमें इमेज के लेफ्ट साइड में दिख रहा है। तो ये यहां पे है कि प्लेसिंग करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने तो जो राइट वाला पार्ट है वो इमेज में हमें लेफ्ट पार्ट में दिखाई देगा और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पार्ट है वो हमें इमेज में राइट में दिखाई देगा। और यही जो फेनोमेनन है इसको हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ये डी है तो इसका जो एल और ये आर है, ये जो राइट साइड है, ये जो राइट साइड वाला पार्ट है वो हमें लेफ्ट में दिखाई दे रहा है और ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो हमें राइट साइड में दिखाई दे रहा है। सेम वे पे बी को देखिए, ये एल और ये राइट है तो ये जो एल वाला पार्ट है वो हमें राइट साइड में दिख रहा है और ये जो राइट वाला पार्ट है वो हमें लेफ्ट साइड पे दिख रहा है।
तो आप समझ गए लैटरल इन्वर्जन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड इमेज के राइट साइड में दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट का राइट साइड इमेज के लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड यस लैटरल इन्वर्जन। देखिए आरईडी रेड, अब जब हम इसको देखेंगे मिरर में तो हमें क्या दिखाई देगा, ये आर पहले नहीं दिखाई देगा। मीन्स आप यदि सोच रहे हैं कि हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से, नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि इसे हमें कैसे लिखना होगा, हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा। समझ रहे हैं, ये जो आर ई डी है वो हमें, ये जो लेफ्ट है वो हमें एकदम राइट में दिखाई देगा और ये जो राइट है वो हमें लेफ्ट में दिखाई देगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यस लैटरल इन्वर्जन। क्लियर है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, जब प्लेन मिरर में किसी इमेज का फॉर्मेशन होता है तो इस इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। ये देखिए ये प्लेन मिरर है, यहां पे ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज पीछे साइड बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज है। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है देखते हैं। फर्स्ट इट इज वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब ये हुआ कि इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। इट इज इरेक्ट, जो इमेज है वो किस तरह का होगा, इरेक्ट मींस सीधा बनेगा। इट इज लैटरली इन्वर्टेड, यस अभी बताएं लैटरल इन्वर्टेड क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट साइड है वो इमेज में राइट साइड में दिखेगा, ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड है वो इमेज में लेफ्ट साइड में दिखेगा, इसको बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। क्लियर। द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सपोज कीजिए इसका हाइट है 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का, तो इमेज का भी हाइट क्या होगा, यस 5 सेंटीमीटर। यदि ये 5 सेंटीमीटर हाइट है ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी कितने सेंटीमीटर का हाइट होगा, यस 5 सेंटीमीटर। तो ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज इक्वल है। नेक्स्ट द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ये मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सपोज कीजिए कि 10 सेंटीमीटर है जस्ट इमेज, तो ये जो डिस्टेंस इमेज का बनेगा वो अभी कितने का होगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था जो प्लेन मिरर में जब इमेज बनेगा तो उसका है, लैटरल इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज इक्वल होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। क्लियर है। मिरर, अब देखते हैं मिरर जो है वो दो तरह का होगा, एक होगा प्लेन मिरर और दूसरा होगा स्फेरिकल मिरर। जो प्लेन मिरर है वो इसका सिंबल कुछ इस तरह से होगा, इसकी स्ट्रेट लाइन, एक साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक साइड में पॉलिश किया हुआ है। क्लियर। ये साइड क्या है, पॉलिश किया हुआ है, और ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब भी प्लेन मिरर ड्रॉ करेंगे तो हम एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करते हैं। क्लियर। अब आगे देखिए, ये जो स्फेरिकल मिरर है वो दो तरह का होगा, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। ये कन्वेक्स मिरर है, इसका दूसरा भी नाम है कन्वर्जिंग मिरर, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। आगे देखेंगे इसे कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, और इसको जो कहते हैं वो है डाइवर्जिंग मिरर। यस डाइवर्जिंग मिरर। तो कन्वेक्स मिरर का जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होगा, मींस रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा एंड जो पॉलिश पार्ट है वो बाहर की तरफ होगा।
कंकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ होता है एंड जो पॉलिश्ड पार्ट है वो अंदर की तरफ होता है। क्लियर है? कंकेव कंकेव मिरर कन्वेक्स मिरर, देखिए दोनों में जो पॉलिशिंग पार्ट है जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो कहाँ है? कन्वेक्स में इनवर्ड अंदर की तरफ होता है, कंकेव में बाहर की तरफ होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यस, अब देखते हैं कि वो कंकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर कैसे बनता होगा। तो ये देखिए, एक हम लोग हॉलो स्फेरिकल बॉल ले लिए, ये हॉलो स्फेरिकल बॉल है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप फुटबॉल देखे होंगे, वो फुटबॉल किस चीज का बना हुआ है? वो ग्लास का बना हुआ है। तो किस चीज का बना हुआ है? वो ग्लास का बना हुआ है। तो ग्लास स्फेरिकल हॉलो बॉल ले लिए या हॉलो स्फेरिकल ग्लास, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। तो क्या किए कि ये अंदर में क्या है? खाली है और ये ग्लास का बना हुआ है, मीन्स ट्रांसपेरेंट हो गया, मीन्स क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ये ग्लास सिंस स्फेरिकल है तो इसका अपना एक सेंटर होगा। यस, तो सेंटर कहां पे होगा? बीच में होगा। तो इसका रेडियस भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और इसका डायमीटर भी होना चाहिए। तो ये जो स्फेरिकल बॉल है जो ग्लास का बना हुआ है उसका सेंटर भी देख लिए और रेडियस एज वेल एज डायमीटर भी देख लिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको कट करते हैं, प्लेन मीन्स ऑफ नाइफ लेकर इसे कट कर दिए। कट करने के बाद इस पार्ट को ले लीजिए। तो इस पार्ट को लेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। लेकिन हमें इस तरह से नहीं ड्रॉ करना है, इसके इस पार्ट को हम ऐसे ही शो करने वाले हैं। इस पूरे स्फेरिकल बॉल को हम कट किए तो कट करने के बाद ये जो पार्ट है हम उसको ले लिए। अब ये जो पार्ट कट किए हैं इसको हम दो तरीके से पेंट कर सकते हैं। यदि इसको पीछे तरफ से पेंट करेंगे तो आगे का तरफ क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। आगे का तरफ क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इन फ्रंट जब होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कंकेव। यस, कंकेव मिरर। और इसी को जब लेकर हम अंदर की तरफ पेंट कर देंगे तो इनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ हो जाएगा, मीन आउटवर्ड हो जाएगा। और जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो जाएगा तो वो कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो समझ गए कि कंकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर स्फेरिकल मिरर में क्यों आता है? क्योंकि एक्चुअली में इसका जो फॉर्मेशन है वो एक स्फेयर के पार्ट से ही होता है। कंकेव एंड कन्वेक्स उनके रिफ्लेक्टिव सरफेस पर डिपेंड कर रहा है कि वो इनवर्ड है या फिर आउटवर्ड है। इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कंकेव आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो कन्वेक्स मिरर। अब हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल क्या है, ये सब के बारे में, ठीक है। तो देखिए, ये जो है वो कंकेव मिरर है। तो कंकेव मिरर क्या है? किसी स्फेरिकल बॉल का
पार्ट है। तो बताए थे कि उसका अपना एक सेंटर होगा, तो जो बॉल का सेंटर है वही है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्वेचर वर्ड है वो एक्चुअली कर्व से बना हुआ है। रीजन इस कर्वेचर का हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज वाई हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो स्फीयर का, जो होलो स्फीयर का जो सेंटर है, तो इस मिरर का क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए आर क्या है, आर रेडियस है, रेडियस किसका है, वो स्फेरिकल होलो बॉल का। लेकिन इस मिरर का क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये एम एन, एम एन क्या है, ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एपर्चर क्या है, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका जो भी डायमीटर होगा उसको क्या कहेंगे, एपर्चर। पोल, पोल ये जो मिरर देख रहे हैं उस मिरर का जो सेंटर होता है, जो बीच वाला पॉइंट है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पोल कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे पोल क्या है, एपर्चर क्या है, एफ क्या है, एफ है फोकस। फोकस सेंटर एंड पोल के जो मीड पॉइंट होंगे, जो बीच में होंगे, उस पॉइंट का नाम है फोकस। क्या नाम है उसका, फोकस। एंड कैपिटल एफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा ये देखिए पी एंड एफ के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा उसको वो कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं इसको, फोकल लेंथ। एफ क्या है, फोकस है, लेकिन कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ क्या है, फोकल लेंथ। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, कोई भी इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के ऊपर पास होता होगा उस इमेजिनरी लाइन को ही कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ द मिरर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब यही चीज हम लोग देखेंगे कि कन्वेक्स मिरर में, तो देख लेते हैं यदि ये मेरा कन्वेक्स मिरर है, क्योंकि ये इनसाइड में पेंट होता है, तो अब आप बताइए किसका जो फोकस होगा वो इस साइड पे होगा। रीजन स्फीयर तो मेरा कुछ इस तरह का है, सेंटर भी मेरा इधर ही होगा, तो बीच में हम सेंटर ले लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट क्या है, पोल। इस सरफेस को क्या कहते हैं, एपर्चर। ये पी एंड सी के बीच जो पॉइंट है उसको एफ कहते हैं, फोकस। ये पी एफ मेरा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ये लाइन क्या है, इमेजिनरी लाइन पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। क्या ये लाइन है, क्या ये लाइन है, मीन्स बाहर भी निकल सकता है। तो इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आप समझ गए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल लेंथ क्या है, एपर्चर क्या है। ये सब आपको दिमाग में रखने होंगे, क्योंकि ये सब जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो ये सब पॉइंट्स यूज होने वाले हैं। क्लियर। रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म बाय कंकेव मिरर। यस, कंकेव मिरर में जब हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो क्या रूल्स है, देखिए फर्स्ट रूल है, अ रे ऑफ लाइट विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर
पासेस थ्रू द फोकस। यस, ये कौन सा मिरर है? कंकेव मिरर। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? तो कोई भी रे, रे ऑफ लाइट विच कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई भी रे आ रहा होगा तो उस रे का इस मिरर से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ फोकस से ही होकर पास होगा। कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो फोकस से ही होकर पास होगा। तो पहला रूल समझ में आ गया होगा, याद रखना है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ फोकस से होकर ही पास होगा। किससे होकर पास होगा? फोकस से होकर पास होगा। सेकेंड रूल क्या है देखते हैं। अ रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू फोकस, विच पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यस, यदि कोई रे फोकस से होकर पास हो रहा होगा, यदि कोई रे फोकस से होकर पास हो रहा होगा तो ये रे जो है वो मिरर से जाके यस टकराएगा, और टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। किसके पैरेलल हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। समझ गए? दो रूल अभी समझ में आया। पहला रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने पर रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से पास होगा। यदि कोई रे फोकस से पास हो रहा है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो पैरेलल जाएगा। वैसे जो एक दूसरे का कन्वर्स है, ध्यान से देखिए। क्लियर? रूल नंबर थर्ड, अ रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर इट गोज बैक अलोंग द सेम पाथ। यस, यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास हो रहा होगा, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास होगा तो इस मिरर से जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन उसी पाथ में होगा जिस पाथ से होकर वो रे आया हुआ था। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन सॉरी रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे आने के बाद जो रिफ्लेक्शन होगा वो अलोंग द सेम पाथ होगा, अलोंग द सेम पाथ होगा। फोर्थ रूल क्या है? अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट स्लैंटली एट पोल रिफ्लेक्टेड स्लैंटली अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आपको याद होगा दो लॉज में एक लॉज था ये भी लॉ कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस, तो ये देखिए जो ये रे फॉल हो रहा है यहां पे, ये स्लैंटली फॉल हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, फोकस से भी पास नहीं हो रहा है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास नहीं हो रहा है। तो यदि स्लैंटली पोल पे फॉल होता है तो चलिए ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, तो ये एंगल आई होगा, तो इनका जो रिफ्लेक्शन होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। दैट मीन्स ये फॉलो करते हुए कि यदि ये 40 डिग्री से इंसिडेंट रे आ रहा है तो 40 डिग्री से ये रिफ्लेक्टिंग भी होगा। क्लियर है? यदि कोई ये स्लैंटली पोल पोल पे फॉल हो रहा है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए उस रे का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो चार रूल्स जो है वो इमेज ट्रेसिंग में यूज करेंगे किसी दो का। यस, वैसे चारों आपको याद रहना चाहिए लेकिन चार में से हम किसी दो का यूज करेंगे रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। क्लियर? यस, कंकेव मिरर में हम लोग देखेंगे सिक्स पोजीशंस आएंगे,
सिक्स पोजिशन का हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है कंकेव मिरर में, याद रखना है। तो पहला पोजिशन है, जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखे हैं उस केस में डायग्राम क्या होगा, ये है कंकेव मिरर। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर पे है ऑब्जेक्ट, बहुत दूर पे है, तो चलिए उसमें से दो रे ले लिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं। तो ये बताइए, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रहा होगा तो हम रूल में याद रखे थे कि वो फोकस से होगा, यस फोकस से होगा, पास हो जाएगा। तो ये भी रे क्या होगा, फोकस से होगा, पास होगा। अभी देखिए, दोनों जो रे है वो रिफ्लेक्शन होने के बाद एक प्रॉपर पॉइंट पे एक्चुअली मीट हो रहा है, दिस इज वाई यहां पे इमेज बन जाएगा। तो यहां पे जो इमेज बनेगा वो किस तरह का इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज क्यों बनेगा, रियल इमेज बनने का रीजन है कि ये जो दो रियल रिफ्लेक्टेड रेज है वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, यस रियल एंड इन्वर्टेड, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। इमेज का पोजीशन, इमेज कहां पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, कहां पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, एट फोकस। और साइज क्या है, साइज चलिए सपोज कीजिए कि सन का इमेज बन रहा है, तो सन एक्चुअली बहुत लार्ज होता है और इमेज वो बहुत छोटा बनने वाला है या बनता भी है, तो इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, यस वेरी वेरी स्मॉल। तो जब ये ऑब्जेक्ट कहां पे था, इन्फिनिटी पे था, सन का इमेज जब मिरर पे बनता है तो वो मिरर पे छोटा इमेज बनेगा, जबकि सन कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। एग्जाम्पल समझ गए, अब आगे देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, वो तो इन्फिनिटी पे था, अब सी से जस्ट पीछे रखे हुए हैं तो उस केस में क्या होगा। तो चलिए हम लोग कोई दो रूल्स यूज करेंगे, चलिए एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है आफ्टर रिफ्लेक्शन, आपको पता है कि ये फोकस से ही होकर पास होगा, ठीक है। और दूसरा क्या पढ़े हम लोग कि यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास होगा तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास से ही लौट जाएगा। तो दो रूल क्या यूज किए, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया जो रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से पास हो जाएगा, और एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया वो रिफ्लेक्शन होने के बाद उसी पास से लौट आएगा। अब आप देखिए कि दोनों रेज जो है वो किसी पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं और वो एक्चुअली कट कर रहा है, यस आप सही समझे, ये पॉइंट। तो प्रिंसिपल एक्सिस से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, यस ये ए है तो यहां पे ए डैश कर दिए, ये बी है तो ये बी डैश कर दिए, तो ये मेरा क्या था, ऑब्जेक्ट था, और ये मेरा क्या हो गया, इमेज हो गया। अब ये बताइए, ये इमेज जो है आपको उल्टा दिखाई दे रहा है ना, तो उल्टा है तो रियल होगा, उल्टा है तो रियल होगा, या फिर ऐसे समझिए जब जो एक्चुअली इंटरसेक्शन हो रहा है रिफ्लेक्शन के बाद तभी तो रियल ही बनेगा। इसका मतलब है नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजिशन कहां पे इमेज बन रहा है, ध्यान से देखिए, बिटवीन सी एंड एफ, यस बिटवीन सी एंड एफ। साइज क्या है, ये ऑब्जेक्ट का साइज है, ये इमेज का साइज है, वेरी वेरी स्मॉल नहीं बोल सकते हैं, स्मॉल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्मॉल बोलेंगे, छोटा बनेगा, क्या बनेगा, छोटा बनेगा। समझ गए, एक चीज और, यहां पे तो एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किए हैं,
हम एक फोकस से भी पास करा सकते हैं, उससे भी मेरा इमेज बनेगा। ये हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराए हैं, ये हम फोकस से भी पास कराएंगे और इमेज मेरा सीएनएफ के बीच में ही बनेगा। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखा गया है उसके इमेज क्या बनेगा। तो ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये कंकेव मिरर है, तो एक रे तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। समझ रहे, ये सब काम हम लोग स्केल से ही करते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में होता क्या है, जब सी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज सी पर ही बनता है एंड उतने ही साइज का बनता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये साइज जो आप इमेज का देख रहे हैं उतना ही बड़ा इमेज हम नीचे में ड्रॉ कर लेंगे, उतना ही बड़ा इमेज एंड उसी सी पोजीशन पे ड्रॉ कर लेंगे। अब इससे क्या होगा कि हम इस रे को इधर से पास कराने में हेल्प कर सकते हैं। ये हम इसको इसलिए किए क्योंकि यदि हम इसको पहले प्रिंसिपल, ये जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया है उससे ले आएंगे तो हो सकता है कि ये जो मेरा इमेज है कुछ बड़ा या कुछ छोटा बने। तो देख, बैक दिखाने के लिए क्या करते हैं कि जब सी पे ऑब्जेक्ट होगा, जब सी पे ऑब्जेक्ट होगा उसी के नीचे उतना ही बड़ा इमेज ड्रॉ कर लेंगे और वो हम कुछ अपोजिट डायरेक्शन पे ले जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि यदि एफ मेरा थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाए तो हम उसको इरेज करके उस पॉइंट पे लिख सकते हैं। क्लियर है, इस केस वाले पे आपको यही टेक्निक यूज करना होगा। क्लियर, ठीक। तो देखते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रह गया वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस के पास हो गया। अब क्या है कि एक रे फोकस से भी पास होता है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगा। तो हम पहले ये इमेज वाले का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे और फिर स्केल से हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये हुआ इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और देखिए ये दोनों कहां पे कट हुए। तो इससे हमें पता चलेगा कि जो इमेज बना हुआ है वो सी पर ही बना और उतने ही हाइट का मेरा इमेज भी बना। ये देखिए ए डैश और बी डैश। क्लियर, तो नेचर क्या हुआ, क्योंकि ये तो रियल बन रहा है एंड क्या हुआ इन्वर्टेड भी बन रहा है। पोजीशन कहां पर है, एट सी, सेम साइज, सेम साइज में क्या होगा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जितना साइज है इमेज का भी उतना ही साइज यस होगा। देखिए फोर्थ पॉइंट पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ पे जब ऑब्जेक्ट को रखा गया है उस केस में इमेज कैसे बनेगा। तो अब देखिए हम एक रे ले गए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन होता है और फोकस के पास होगा। अब एक रे यहां से भी निकलेगा, कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलते हैं, लेकिन उसमें से हम लोग कोई दो रे पे स्टडी करेंगे, ऑनली टू, क्योंकि इमेज बनने के लिए कितने रेज चाहिए, यस दो। अभी देखिए एक रे फोकस से होकर पास हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अभी देखिए दोनों रे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए तो हम क्या करेंगे, उसको प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे। यस, वी विल यूज स्केल टू ड्रॉ क्योंकि उससे सीधा लाइन ड्रॉ होगा। आप कितने बार इरेज करेंगे तो बेटर होगा कि आप स्केल ही यूज करेंगे एंड पेंसिल, स्केल एंड पेंसिल। यस, तो ये मेरा क्या हो गया, ए डैश बी डैश, ये इमेज हो गया।
read the direction, never forget to show the direction of ray. रे डायग्राम में हम लोग रे के डायरेक्शन को देने में गलती करते हैं और वहां से कट जाता है, ठीक है, उससे पता चलेगा कि कौन सा इंसिडेंट रे है, कौन सा रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये बताइए नेचर क्या बना, नेचर तो रियल है एज वेल एज क्या बना, यस रियल एंड इन्वर्टेड बना। और आप क्या सोच रहे हैं, पोजिशन कहां पर है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनाना, बना के नहीं बनाना। अब साइज क्या है, यस आप ऑब्जेक्ट और इमेज भी थोड़ा सा इमेज की कंपैरिजन कीजिए तो आपको लगेगा कि लार्जर, यस समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, यस ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस पर है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस पर है, तो इमेज कहां पे बनेगा, ये देखिए जब फोकस पे है तो हम लोग कुछ रूल यूज कर रहे हैं, एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो अब जानते हैं कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाने के बाद इनका रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होगा तो कहां से फोकस पास होंगे, यस फोकस से होकर पास हो जाएंगे। एक और रे जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास होने वाले हैं, मींस एक रे ले लिए जो ऊपर चला गया लेकिन इनका रिफ्लेक्शन इस तरह से होगा कि ये फोकस से होकर पास हो जाएगा, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास हो जाएगा, मींस एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, अनदर रे विच रिफ्लेक्ट फ्रॉम द मिरर पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये एक्चुअली में दोनों रेज जो हैं वो कहीं मिलने वाले नहीं है, दोनों रेज पैरेलल चले जाते हैं, दोनों रे पैरेलल चले जाते हैं, और जब इसको हम पीछे भी इस साइड पे ले जाएंगे आगे तरफ तब भी ये कहीं मिलेंगे नहीं, बिकॉज पैरेलल रेस कहीं मिलते नहीं है। तो नेचर क्या हुआ, सिंस ये पैरेलल है तो जस्ट इमेजिन कर लेते हैं कि कहीं पर ना कहीं पर इन्फिनिटी पे कटेंगे ही, अच्छा तो कटने वाले है ना, तो रियल बना, क्या बन गया, रियल बन गया, और जब ये रियल बनेगा इन्वर्टेड ही होगा। अच्छा साइज क्या होगा, अब ये बताइए जब इन्फिनिटी पे बन रहा है तो क्या होगा, वेरी लार्ज होगा, क्योंकि आपको इन्फिनिटी के दूर की ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो वो कब दिखेगा दूर का ऑब्जेक्ट, जब इमेज बहुत बड़ा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वो साइज जो है वो छोटा होता जाता है, ठीक। पोजीशन एट इन्फिनिटी कहां पे बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है, सिक्स पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, एफ मीन्स फोकस, पी मीन्स पोल, फोकस एंड पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इनका इमेज कहां पे बनेगा, देखिए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होकर पास हो जाएगा, किससे होकर पास होगा, फोकस से होकर। एक और रे लेते हैं जो ये रे तो जाएगा लेकिन लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पाथ का वो यूज कर रहे हैं। अब ये देखिए ये आगे कहीं मिलने, पीछे कहीं मिलने वाले नहीं, इधर तब हमें इसे बैक ड्रॉ करना होगा, और जब बैक ड्रॉ करेंगे तो हम डॉटेड लाइन का यूज करेंगे, एक्चुअली में ये लाइन थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा बट जब आप इसके यूज करेंगे तो वो स्ट्रेट ही बनेगा, क्लियर। तो ये देखिए ये डॉटेड हमें ड्रॉ करना पड़ा क्योंकि ये अपीयरिंग है, रियल रेज जो है वो तो इधर आ गए हैं, तो जब यहां पे मिलेंगे तो इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे वो भी डॉटेड, तो ये मेरा क्या बना, इमेज बना। ये देखिए ए बी है तो यहां पे ए डैश बी डैश बनेगा,
तो जो इमेज बना वो एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं हुआ है, तो ये बन गया वर्चुअल इमेज। तो जब भी वर्चुअल होगा ये देखिए सीधा बन रहा होगा। साइज क्या है? लार्जर, जिसको बोलते हैं मैग्नीफाइड। एंड पोजीशन क्या है? बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है, मिरर के पीछे। तो ये सिक्स पोजीशन, छह पोजीशन थे रे डायग्राम के जो प्रैक्टिस करना होगा। रूल्स पहले याद रखने हैं, उसी रूल्स का तो यूज किए हम लोग। क्लियर? रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। अब देखेंगे कि कन्वेक्स मिरर पे जो इमेज ड्रॉ करेंगे इसके कुछ रूल्स हैं, वो क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है? तो फर्स्ट रूल देखिए, अ रे ऑफ लाइट विच कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। तो आप ये देख रहे हैं कन्वेक्स मिरर जो है ये इसका पॉलिश पार्ट है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड को होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है। तो जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल टू यदि प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है तो लाइट रेज तो इधर से ही आएगा, इधर तो आएगा नहीं। तो ये जो रिफ्लेक्शन होगा वो रिफ्लेक्शन इस तरह से होगा कि लगेगा कि ये फोकस से ही आ रहा है। कहां से आ रहा है? फोकस से आ रहा है। ये देखिए डॉटेड ड्रॉ किए, तो यदि हम इसको छिपा दें तो क्या लगेगा कि फोकस से ही आ रहा है। यस, तो पहला रूल है कि कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, रिफ्लेक्शन जब होगा तो ये ऐसा अपीयरिंग होगा कि वो रोज फोकस से ही यस आ रहा है। चलिए सेकेंड, रे अप्लाई विच अपीयर्स टू फॉल एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि कोई रे को लग रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल हो रहा है, कहां पे फॉल हो रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो याद रखिएगा ये जो डॉटेड होगा क्योंकि ये ऑपेक सब्सटेंस है, यहां से तो ये पास नहीं हो सकता है। तो यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लग रहा है कि फॉल हो रहा है तो इनका रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन पे हो जाएगा जिस पाथ से वो आए हुए थे, रिफ्लेक्शन उसी पाथ पे हो जाएगा जिस पाथ से वो आए हुए थे। समझ गए? रूल नंबर थर्ड, रे ऑफ लाइट विच अपीयर्स टू फॉल एट फोकस, यस एट फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यस, अपीयर्स टू फॉल एट फोकस, यदि लग रहा है कि कोई रे जो है वो फोकस पे फॉल हो रहा है, यदि लग रहा हो कि कोई रे जो है वो फोकस पे फॉल कर रहा है तो जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। यदि कोई रे ऐसे लग रहा है कि फोकस पे फॉल हो रहा है, लग रहा है इसीलिए रीजन ये जो बाउंड्री है ये तो क्रॉस नहीं होगा, इसीलिए लग रहा है अपीयरिंग होगा। तो जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट स्लैंटली टुवर्ड्स द पोल देन इट इज रिफ्लेक्टेड बाय ऑबेइंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यस, यदि कोई रे फॉल हो रहा है फोकस पे स्लैंटली, सॉरी पोल पे, तो ये जो एंगल ऑफ आई बना रिफ्लेक्शन इसका एंगल ऑफ आर के साथ होगा, दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यही है ऑबेइंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तो चार रूल्स हैं, इसमें से कोई दो रूल यूज करेंगे रे डायग्राम बनाने के लिए कन्वेक्स मिरर। ओके, इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए इसमें से दो ही पोजिशन बनेगा, जिस तरह से हम देखें कि कनकेव मिरर में छह पोजिशन बना था, बट ये जो कन्वेक्स मिरर है इसमें ओनली दो ही पोजीशन बनेगा। एक पोजीशन जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, बहुत दूर पे है,
और दूसरा पोजीशन जब ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पर है मीन्स वो मिरर के आमने सामने कहीं भी होगा। तो ये दो ही केस बनेगा कन्वेक्स मिरर के लिए। तो देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी बहुत दूर पे है, जस्ट एन एग्जांपल ऑफ सन, सन कहां पर है बहुत दूर पे है, और जब हम कन्वेक्स मिरर में उनका डायग्राम देखेंगे तो वो किस तरह का दिखेगा। चलिए बहुत दूर पे है तो एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, तो क्या बताए थे कि ये कहां से पास होगा, यस ये अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, लगेगा कि ये फोकस से आ रहा है क्योंकि ये तो ऑप्टिक सब्सटेंस है। सेम वे में यदि हम लोग कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और फिर क्या होगा, इनका रिफ्लेक्शन होगा लेकिन अपीयरिंग होगा कि ये फोकस से ही आ रहा। ठीक है, तो अब क्या क्लियर हुआ कि नेचर जो बनेगा वो वर्चुअल बनेगा एंड इरेक्ट बनेगा। जब भी वर्चुअल आया तो इरेक्ट आएगा, जब भी इरेक्ट आया तो वर्चुअल आएगा। पोजीशन कहां पर है, एट फोकस, साइज क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी यस वेरी वेरी स्मॉल। अब सेकेंड डायग्राम को देखते हैं, सेकेंड पोजीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, वो फाइनाइट डिस्टेंस पे है जस्ट लाइक दिस। तो एक रे क्या कि हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए, फिर क्या होगा, यस जैसा कि जानते हैं हम लोग कि एक रे ये जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया हुआ है रिफ्लेक्शन से लगेगा, लगेगा कि ये फोकस से आ रहा है, यस एक रे। और यदि कोई रे ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल हो रहा है, यदि आपको लगे कि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल हो रहा है, तो जब रे फॉल हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर तो रिफ्लेक्शन भी उसी पाथ के अलोंग हो जाएगा। अब ये देखिए दोनों रेज जो है वो एक्चुअली इंटरसेक्शन तो नहीं कर रहे हैं बट अपीयर्स टू इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, यस। तो ये जब पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ तो यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ये डॉटेड ड्रॉ करना होगा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ये बन गया इमेज। तो ये किस तरह का इमेज बना, क्योंकि सीधा इमेज बना हुआ है, क्योंकि डॉटेड लाइन से बना हुआ है, तो ये वर्चुअल होगा एज वेल एज इरेक्ट होगा। क्या होगा, यस वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन कहां पर है, ध्यान से देखिए ये पोजीशन कहां पर है, बिटवीन बिटवीन पी एंड एफ, और साइज क्या होगा, दोनों का साइज देखिए स्मॉलर, क्या होगा, यस स्मॉलर। तो रे डायग्राम में प्रैक्टिस मोस्ट एसेंशियल, कंपास स्केल मोस्ट एसेंशियल, क्लियर। यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर्स, तो ये कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसको डाइवर्जिंग मिरर कहने का रीजन इसलिए है कि ये जो है वो रे को डाइवर्ज कर देता है, मीन्स एक जगह पर मिलने नहीं दिया जाता। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले लाता है वो क्या हुआ, डाइवर्ज हो गया, ये क्या हुआ, डाइवर्ज हो गया। दिस इज वाई इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। अब ये देखिए डाइवर्जिंग मिरर है मीन्स ये बहुत दूर दूर तक रेज को फैलाएंगे, ठीक है। अब इसी के बेसिस पर हम इसका यूटिलाइज करेंगे, इसका यूटिलाइज स्ट्रिट लैंप में होता है। तो स्ट्रिट लैंप से क्यों लगाते हैं, स्ट्रीट लैंप पे इसलिए लगाते हैं कि हम चाहते हैं कि ये लाइट जो है वो बहुत दूर 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 तक जाए, बहुत दूर दूर तक जाए। और ये काम कौन कर सकते हैं, कनकेव नहीं ओनली कन्वेक्स मिरर का, ठीक है। तो यहां पे इसलिए कन्वेक्स मिरर का यूटिलाइज करते हैं। अब आगे देखिए इसका यूटिलाइज रियर व्यू मिरर के फॉर्म में व्हीकल्स में होता है, मतलब आप देखे होंगे यदि
जो ड्राइवर है उनके सामने एक मिरर रहता है, उस मिरर के हेल्प से पीछे वाले ऑब्जेक्ट का जो भी इमेज है वो देखा जाता है। तो पीछे वाले ऑब्जेक्ट के इमेज को देखने के लिए उस मिरर का यूटिलाइज किया जाता है जो हमेशा कन्वेक्स मिरर का ही बना होता है। आखिर कन्वेक्स मिरर का ही क्यों वो बना होता है? तो अभी क्या बताए, इसका वाइडर फील्ड व्यू जो है वो ज्यादा चौड़ा होता है और वो हमेशा कन्वेक्स मिरर हमेशा सीधा इमेज बनाएंगे, साथ ही साथ वो छोटा इमेज बनाएंगे, सीधा इमेज बनाएंगे, छोटा इमेज बनाएंगे, ज्यादा एरिया में इमेज बनाएंगे। तो ये सब कुछ इनके प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण इसका यूटिलाइज रियर व्यू मिरर के फॉर्म में व्हीकल्स में किया जाता है। यदि इमेज बड़ा बनता तो क्या होता, यदि एक छोटे से ऑब्जेक्ट भी आ रहे होते, व्हीकल भी आ रहा था, तो लगता कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट आ रहा है, बहुत बड़ी गाड़ी आ रही है, और ड्राइवर से कंफ्यूज हो जाते, समझ गए। और ज्यादा से ज्यादा एरिया का इमेज ये कन्वेक्स मिरर बना सकता है। तो समझ गए सिंपल वे में कि इसका यूटिलाइज जो है वो व्हीकल्स में पीछे के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किया जाता है। थर्ड देखिए, इसका यूज शॉप में सिक्योरिटी मिरर के फॉर्म में किया जाता है। सिक्योरिटी मीन्स उस शॉप का जो गाइडिंग, कोई ऑब्जेक्ट्स को कोई इधर उधर तो नहीं कर रहे हैं, उसके गाइडिंग के लिए उस मिरर को लगाया जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इमेज को बना सकते हैं और सीधा इमेज बनता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो उसमें, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं कनकेव मिरर का यूटिलाइज क्या है। तो कनकेव मिरर का जो यूटिलाइज है वो उनके नेचर के बेसिस पर है। कहीं पर ये ज्यादा बड़ा इमेज बनाते हैं, बड़ा इमेज के साथ सीधा भी इमेज बनाते हैं, कहीं पर वो पैरेलल बहुत दूर तक ले जाते हैं। तो चलिए देखिए क्या क्या यूटिलाइज हो सकता है। इट इज यूज्ड इन एज शेविंग मिरर। शेविंग मिरर में इसका यूटिलाइज किया जाता है। शेविंग मिरर में इसका यूटिलाइज किया जाता है मीन्स यदि कनकेव मिरर है तो जब हम अपना पोजिशन चेंज करते हैं तो साइज जो है वो क्या होगा, चेंज होगा, और एक केस ऐसा आएगा जहां पे इमेज लार्जर बनेगा, वहां पे इमेज सीधा बनेगा। यस, अब सही समझे, पोल एंड फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं कनकेव मिरर में तो इमेज ज्यादा बड़ा बनता है। तो सेविंग मिरर में इसलिए बनाएंगे ताकि फेस जो है वो बड़ा दिखे, क्लियर। इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट भी इसका यूटिलाइज करते हैं, क्यों? इमेज ऑफ टीथ, टीथ की इमेज को देखने के लिए कि टीथ पे कहां पे प्रॉब्लम है। तो टीथ यदि ज्यादा बड़ा दिखेगा तो उसका पोजीशन कहां पे, कुछ उस टीथ में जो खराबी है वो पता किया जा सके। तो ये कनकेव मिरर का यूटिलाइज डेंटिस्ट भी करते हैं। इट इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस एंड सर्च लाइट। टॉर्चेस का क्या काम है? टॉर्च जो हम मेरे पास होता है, उस टॉर्च का काम होता है बहुत दूर तक ले जाने के लिए, बहुत दूर तक देखना हमें रहता है ना। तो ये काम कनकेव मिरर ही कर सकते हैं। आगे इसका यूटिलाइज सोलर कुकर में होता है। सोलर कुकर में इसलिए होता है क्योंकि एक्चुअल में ये जो कनकेव मिरर है उसको कन्वर्जिंग भी कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसलिए इसको कहते हैं कि जो भी रेज इसमें फॉल होगा, ये देखिए ये कनकेव मिरर हो गया, ये यहाँ पे फोकस हो गया, तो जो भी रेज पैरेलल टू फोकस जाता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है, फोकस में मिल जाता है, इसलिए इसका नाम है कन्वर्जिंग मिरर। तो कनकेव मिरर का यूटिलाइज सोलर कुकर में इसलिए करते हैं ताकि एक जगह पे रेज कंसंट्रेट होके वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करे। तो समझ गए यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स मिरर, क्लियर।